निगम प्रशासन द्वारा हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर में सड़क किनारे पेवर ब्लॉक लगाए गए थे जो अब उखड़ने लगे हैं। वहीं पेवर ब्लॉक लगाने खुदाई के दौरान बीच में आए विद्युत पोल को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया है। आवागमन सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है। इसी के तहत कैलाश नगर में भी पेवर ब्लॉक लगाए गए थे जो अब उखड़ने लगे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी है। पेवर ब्लॉक उखड़ने से दुकानों में आना जाना कर रहे लोगों को भी परेशान होना पड़ रहा है। इसकी वजह से जिन स्थानों में पेवर ब्लॉक उखड़े हैं वहां फिर से पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य शुरू किया गया है। वहीं कैलाश नगर रोड में दुकानों के सामने पेवर ब्लॉक लगाने गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे दुकानदारों सहित दुकानों में आना जाना कर रहे ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। पेवर ब्लॉक लगाने खुदाई के दौरान बीच में आए विद्युत पोल को भी अनियंत्रित शिफ्ट नहीं किया गया है। विद्युत पोल को शिफ्ट नहीं किए जाने से पेवर ब्लॉक लगाने को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुख्य रोड है, हाउसिंग बोर्ड का कनेक्ट करती है कालीबाड़ी के आगे से, और ये रोड जो है एकता चौक तक जाती है। जो पूरी रोड तो अभी सही दिख रही है, मगर जो बगल में जो इनका निर्माण है ये पेवर ब्लॉक का, वो सब उखड़ जा रहा है। जो नीचे इनका बेस भी नहीं किया गया है सही तरीके से, मुरम या मिट्टी भरना था वो भी नहीं भरा गया है, और सब जो हमारे निगम के इंजीनियर हैं उसकी जांच सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। आज ये रोड जो है यहाँ गौरवपथ के नाम से जानी जा रही है, गौरवपथ से ये कनेक्ट हो रही है, जिसमें हेवी व्हीकल भी चलेंगे और लाइट व्हीकल भी चलेंगे। तो हमें ऐसी रोड चाहिए जो सालों साल चले, और इस रोड का ये हाल है। अभी आपने देखा है कि उन रोडों का क्या हाल है, बगल में गाड़ी कोई उतारता है तो धस जा रही है रोड अभी से। तो ये हाल है, हमारे जो लोग भी इसका निर्माण कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी बात ये है कि अगर ये रोड को बनाया जा रहा है, इसका निर्माण अच्छे से किया जाए, और गुणवत्ताहीन जो लोग काम कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए और नया टेंडर जारी किया जाए। ये जो रोड बनी हुई है यहाँ पर जो टाइप लगा रहे हैं, टाइप तो पहली बात जो है 80 mm की लगना चाहिए, इन्होंने उसका गुणवत्ता विहीन लगाया हुआ है, जिसका बैठ जा रही है। और बीच रोड पे आप देखिए पोल लगे हुए हैं, पोल पूरे हैं, इसके ऊपर रोड बने। रात बिरात अगर कोई इस पर टकराया और एक्सीडेंट हुआ, इसका जवाबदार कौन होगा? अगर इनको यहाँ पर टाइप लगाना था या रोड बनी थी, पहले इन खंभे को कहीं पर जो है उसको व्यवस्थित करना चाहिए था, उसके बाद इसको लगाना चाहिए था। एक आप कमीशन खोरी का खेल है, इन रोडों पे जहाँ पे हैवी व्हीकल चलते हैं उन रोडों पे टाइप लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। EPWD के रूल के हिसाब से यहाँ पे टाइप लगना ही नहीं चाहिए। अगर टाइप लग भी रहा है तो रोड से 6 इंच ऊपर होना चाहिए, जो कि ये 6 इंच ऊपर की बजाय 1-1.5 इंच नीचे लगा हुआ है। इससे जो है स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो है गुणवत्ताविहीन काम हो रहा है, भ्रष्टाचार जोरों पर है, सब 18% 20% कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। और इंजीनियर आता है पता नहीं क्या चेक करता है, हम तो आज तक यही समझ रहे कैसा इंजीनियर है वो, जो कि आता है सब देख के चले जाता है, उसको कोई कमियां दिखती नहीं। नगर निगम द्वारा अन्य क्षेत्रों में लगाए गए पेवर ब्लॉक के उखड़ने की बातें भी लगातार सामने आई हैं। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कार्यों के मॉनिटरिंग नहीं किए जाने की वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।